यस, ये सॉन्ग मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है, मेरे दिल के काफ़ी करीब है, बिकॉज़ ये मेरा पहला सॉन्ग है और पाजी का सॉन्ग है, तो ऑफकोर्स स्पेशल तो होना ही है. एंड जब ये सॉन्ग मैं कर रहा था, मैं बहुत ही एक्साइटेड था, बहुत ही खुश था. एंड मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि आई वॉन्ट टू गिव माई 110%. और एक यू नो लोगों को एक अलग ही फ्रेश पेयर देखने मिल रही है मेरी और कनिका की. सो यस, लोग काफ़ी अप्रिशिएट भी कर रहे हैं उसे. और कनिका के साथ शूट करके भी बहुत मज़ा आया, पाजी के साथ शूट करके भी बहुत मज़ा आया. इनकी टीम भी बहुत ही प्यारी है. एंड बस मैं पाजी को थैंक यू कहूँगा कि उन्होंने ये सॉन्ग जब बनाया तब उन्होंने मुझे माइंड में रखा था. ही सेड कि यू नो मेरे माइंड में आप और कनिका है, ये सॉन्ग जब बनाया तब, तो ही सेड कि आप दोनों परफेक्ट हो इस सॉन्ग के लिए. तो थैंक यू सो मच पाजी हम पे इतना भरोसा रखने के लिए, है ना. राज इज सो स्मार्ट, आपने एक सवाल पूछा, इन्होंने अगले 7 सवालों का जवाब दे दिया. कनिका काम करके अच्छा लगा सर, का गाना बहुत अच्छा है सर. आप वापस पूछ सकते हैं, मैं आपको अलग आंसर दूंगा अभी. अबाउट द सॉन्ग, सॉन्ग तो मतलब हमने तो बना दिया, अब आप सब बताइए आपको कैसा लग रहा है. एंड हमें काफ़ी अच्छा वैसे रिस्पांस मिल रहा है, वी रियली हैप्पी. एंड राज का फर्स्ट सॉन्ग था, तो हम वी वर एक्साइटेड फॉर हिम कि यू नो ये तो हम पूरा लेट्स डू इट एंड लेट्स किल इट, बहुत अच्छा करेंगे. एंड ऑफ कोर्स अदरवाइज भी हम हर प्रोजेक्ट में उतना मन लगा के करते हैं, लेकिन इसमें होता है ना, यू गेट वेरी एक्साइटेड जब आप देखते हो कि सामने वाला इतना एक्साइटेड, एंड वो होता है आपके फर्स्ट वीडियो या फर्स्ट एनी प्रोजेक्ट, तो वैसा ही था. एंड देन राम जी इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइंड कितने सालों से, हमारा साथ में बस वो काम करने का वो मौका ऐसा नहीं लग रहा था, एंड लगा तो वी जस्ट डिड इट. आपको कैसा लगा सॉन्ग? पक्का अच्छा लगा, चलो कोई. सो वेन वी मेड द सॉन्ग, इट्स अ वेरी बबली सॉन्ग, यू नो विच जो गाने के लव्स भी हैं, आप मेरे को लगता है कि एवरीबडी विल रिलेट टू दिस एंड एवरीबडी से सॉरी यू नो 100 टाइम्स. सो वेन वी हैड द सॉन्ग एंड इट वॉज अ वेरी क्यूट बबली सॉन्ग विच द यूथ वुड रियली कनेक्ट टू, यू नो. सो द ओनली टू नेम्स केम विच टू माई माइंड इज राज एंड कनिका कुले. इनसे अच्छे नखरे कोई नहीं करता कनिका से, वी सीन द वीडियो ऑल्सो. एंड राज इज got cuteness overloaded both of them when they come together. Unki chemistry aap jab screen pe bhi dekhenge aapko bahut maza aayega. So they made it look so easy and so good, and I think everybody is loving the song and everybody is loving them. Aur aaj tak Raj aur Kanika kabhi saath mein aaye nahi the, and it was Raj's debut, so it got more interesting, you know, for their fans also. लुक तो पाजी ने काफ़ी इस पे ध्यान दिया है, लुक पे एंड लाइक एवरी चीज़ पे पाजी ने बहुत बारीकी से यू नो ध्यान दिया. ऐसा नहीं कि ठीक है यहाँ ठीक है चल जाएगा ऐसा हो जाएगा, नो, ही वॉज वेरी स्पेसिफिक. अगर उन्हें पसंद नहीं आ रहा इज़ लाइक नहीं कुछ और चेंज करो. एंड उन्होंने प्यारी प्यारी लोकेशंस ढूंढ के निकाली है, और जितने भी क्लोज्स हमने यू नो यूज़ किए काफ़ी पॉपिंग है, तो वो बहुत ही अच्छा सा उठ के आ रहा है वीडियो में भी. एंड आप जो भी फ्रेम्स लाइक जितने भी आपने शॉट्स देखे सारे डिफरेंट और फ्रेश आपको दिखेंगे, तो पाजी ने इन सब चीज़ों पर बहुत अच्छे से काम किया है. येस ऑफकोर्स, क्योंकि सारी चीज़ें सर ने ही संभाली हुई थी, सिंगिंग, कॉम्पोजिशन, म्यूज़िक, डायरेक्शन, इवन क्लोदिंग. एक दिन पहले हमें शॉपिंग पे लेकर गए और मुझे लगा वाओ ये तो मतलब खुद ही चूज़ करे. चलो लड़के के कपड़े तो चूज़ करना ईजी होता है लड़के के लिए, वो मेरे लिए भी चूज़ करे थे, आई थिंक दिस विल गो विद दिस. मैंने कहा ये मुझे कभी समझ में नहीं आता, तो ही वॉज डूइंग ऑल ऑफ दैट. एंड इवन ऑन सेट आप रिएक्शंस किए या एंड कैसे हमने जल्दी से चूज़ किया था. एंड देन ऑफकोर्स रिएक्शन, देन उन सब की बातें करें तो इनकी डायरेक्शन ही है पूरी की पूरी. सो बेसिकली एक डायरेक्टर ना ऑफकोर्स अपने तो आइडियाज़ देती हैं, एक और बहुत प्यारी सी चीज़ होती है कुछ डायरेक्टर्स में, वो एक्सेप्टेंस वाला नेचर कि यू नो आर्टिस्ट जैसा चाह रहा है उस चीज़ को वो एक्सेप्ट करें. ऑफकोर्स अपनी कुछ चीज़ें तो बताएंगे ही कि नहीं ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन हम जो कर रहे हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे थे, तो वो ऑफकोर्स उनके अंदर है. एंड देन वो हम और कम्फर्टेबल हो जाते हैं और अपने इनपुट्स दे पाते हैं, तो उन तीनों के इनपुट्स के साथ हुई ये वीडियो आपके सामने. कनिका की बोल तो मतलब ऐसे तो कुछ है नहीं बताने के लिए वैसे, बट इट वॉज पर जो मुझे नहीं पता है शायद. सो यस, इट वाज फन वर्किंग विथ हर एंड बहुत अच्छे से यू नो एक इजी फील करवाया सेट पे भी. एंड यू नो हम लोग इम्प्रॉम्प्टू कुछ ना कुछ प्लान कर रहे थे कि चलो ऐसा करते हैं, यहाँ पे ये एक्शन करते हैं, यहाँ पे ये हरकत करते हैं, यहाँ पे ये करते तो अच्छा लगेगा. सो यस, जो कोऑर्डिनेशन था हमारा काफ़ी ईजी था. ऐसा नहीं कि यू नो कि नहीं नहीं ये बोल रहा है वो मैं क्यों करूँ, वो बोल रही है वो मैं क्यों करूँ, ऐसा हमारे बीच में हुआ नहीं. यू नो ईगो क्लैशेज काइंड ऑफ अ थिंग कि यू नो कि नहीं नहीं
वो बोल रही तो मैं क्यों करूँ, ऐसा नहीं था। तो हम दोनों एक दूसरे को समझ के सोच के पाजी से पूछ के वी वर गोइंग विद द फ्लो और बहुत ही ब्यूटीफुल वो निखर के आया। सो यस, मैंने तो फुल लॉन एक्सप्लोर किया दुबई और मैं वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रोलर कोस्टर में भी बैठा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वो एक्सपीरियंस करूंगा, बट जब मैं बैठ गया तो हमने कि मैं क्यों बैठा हूं यहाँ पे। मैं ऐसा था कि मैं निकल जाऊं, उठ के भाग जाऊं, बट मैं बैठ गया और वो चालू भी हो गया एंड अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। ऐसा लग रहा था कि मैं वापस रिटर्न पहुँचूंगा ही नहीं वहाँ पे, बट बहुत ही मज़ा आया। एंड कनिका, व्हाट अबाउट यू? मैं तो एक दिन में अगले दिन ही चली गई थी ना। बट यू रिमेंबर वन थिंग गुड, यू नो बिफोर कनिका लेफ्ट वी वेंट टू द गुरुद्वारे, गुरुद्वारे गए थे एंड आई स्टिल रिमेंबर शी होल्डिंग द प्रसाद, गुरु प्रसाद लाइक दिस एंड या एंड या आई थिंक दैट वाज समथिंग व्हिच इज बहुत अच्छा था। एक्चुअली जो लास्ट हमारा सीक्वेंस है जो बीच पे हमने शूट किया है, वो रात को हम 12:30 को शूट कर रहे थे एंड पूरी टीम लाइक वाज लाइक बस 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 कब लास्ट शॉट हमारा ख़त्म हो रहा है, सबकी हालत ऐसी हो गई थी। बट यू नो पाजी हम सबको मोटिवेट कर रहे थे, पुश कर रहे थे, चलो लास्ट शॉट है, लास्ट शॉट है। और कनिका तो कार में सो ही गई थी और मैं ऐसा था कि नहीं नहीं अपने आप को जगा के रखना है, लास्ट शॉट है, एनर्जी डाल देनी है फुल लॉन। तो बस ऐसे ही मस्ती मजाक में हमारा शूट हो गया और यस ऐसा क्योंकि सारा दिन ही मस्ती भरा था ऐसा। ये लोग मुझे, मैं सो गई थी 2 घंटे की मस्त नींद में लेकर आई थी एंड देवर लाइक ये तो पूरा ऐसे जागे हुए ऐसे, जैसे फुल कॉफ़ी अंदर है इनके एंड फुल एनर्जेटिक देवा। तो या बस थ्रू आउट इट वाज फन, पूरा दिन ही हमारा मस्ती मजाक में निकल गया एंड